यूटीआई एक काफ़ी कॉमन सी समस्या है, बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। स्पेशली इंडियंस आर मोर प्रोन टू यूटीआई एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़। स्पेशली इंडियन फीमेल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है यूटीआई को एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो फीमेल्स होती है उनमें जो यूरेथ्रा का जो लेंथ होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, और दूसरा कारण ये है कि जो एनल ओपनिंग होता है फीमेल्स में वो काफ़ी क्लोज होता है यूरेथ्रल ओपनिंग से। इसके वजह से जो एनल ओपनिंग का जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत क्लोजली ट्रैवल करता है यूरेथ्रा से, इसलिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए फीमेल्स में बहुत बार यूटीआई इन्फेक्शन कॉमन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल्स में कॉमन है, ये मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये बूढ़ों में कॉमन है। मोर स्पेशली जो वीमेंस होती है जिनमें मेनोपॉज हो चुका होता है या आ चुका होता है, जो 50-60 की उम्र के करीब होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमनली इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके कुछ अलग कारण हैं, क्योंकि ऐसे वीमेंस जो 50-60 के क्लोज होती है उनमें एस्ट्रोजन की जो लेवल है, जो सर्कुलेटरी एस्ट्रोजन होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए बार बार इनमें इन्फेक्शन को देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि यूटीआई एक तरह का इन्फेक्शन है, यूटीआई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसका जो कारण है, जो मेन पैथोजेनिक कॉज है, वो ई कोलाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई कोलाई है, इसके साथ साथ अलग बैक्टीरिया है, जैसे कि सुडोमोनास है, स्टैफिलोकोकस है, कैंडिडा है, और कुछ अलग तरह का फंगस भी है, जिसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। लेकिन 80% केसेस में जो ई कोलाई होता है वो मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जिसकी वजह से यूटीआई होता है। सबसे कॉमन कारण है यूटीआई होने का वो है पानी कम पीना। उन सभी लोगों में देखा गया है कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनमें मोर चांस होते हैं स्टोन बनने के, और वो स्टोन जो होता है उसके अराउंड एक बैक्टीरियल कॉलोनी बनाता है, इसकी वजह से उन लोगों में या उन पेशेंट्स में बार बार हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए जब भी जो मेन कारण हम जब पूछते हैं पेशेंट से कि जब भी जिसको यूटीआई होता है तो आप पानी कितना पीते हैं, तो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि वो जो लोग होते हैं वो बहुत कम पानी पीते हैं, या उनकी हिस्ट्री होती है किडनी स्टोन की, जिसके वजह से जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, उसके आजू बाजू एक बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से उसे बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है यूरिन स्टैसिस, यानी कि अब देखिए हमने पानी तो पी लिया लेकिन बॉडी में अभी भी यूरिन बाकी है, ब्लैडर में अभी भी यूरिन बाकी है, और उस यूरिन में बैक्टीरिया है। अब वो जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो एक्सपेल नहीं हुआ है, आप यूरिन करने गए ही नहीं है, तो वो यूरिन में जो बैक्टीरिया है वो अभी भी आपके बॉडी में स्टिल है, तो उनकी जब कॉलोनीज बनने लगती है, जब उनकी पॉपुलेशन या उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने लगती है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको बार बार यूटीआई हो सकता है। इसलिए पानी पीना भी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ बार बार यूरिन जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो आपके शरीर में यूरिन बनता है, और उस यूरिन में बहुत सारे बैक्टीरियाज है जो बाद में जाकर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाएगा और आपको यूटीआई हो जाएगा। दूसरा यूटीआई का कारण है इंटरकोर्स, स्पेशली अनहाइजेनिक इंटरकोर्स। ये देखने को मिला है कि जो अनहाइजेनिक इंटरकोर्स जिन फीमेल्स में या जिन मेल्स में होता है उनमें यूटीआई का हिस्ट्री बार बार होता है, रिकरेंसी होती है यूटीआई की। प्रेगनेंसी में भी हमको यूटीआई बहुत बार कॉमनली देखने को मिलता है। कॉमनली यूटीआई प्रेग्नेंट वुमेन में इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, जो भी ग्रोइंग फीटस होता है, यानी कि जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है, उसका एक सर्टन अमाउंट ऑफ जो प्रेशर होता है वो ब्लैडर पे आता है, जिसके वजह से क्या होता है, पूरी यूरिन कभी भी हो नहीं पाती, और थोड़ी अमाउंट ऑफ जो यूरिन होती है वो हमेशा बची रहती है ब्लैडर में। अब सिंपल सी बात है कि अगर बार बार यूरिन तो हो रही है लेकिन थोड़ी से अमाउंट ऑफ जो यूरिन है वो बच रही है, तो जो बची खुची यूरिन है उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी यानी कि जो कीटाणु है अब भी है, तो जो बचे खुचे कीटाणु हैं वो बार बार इन्फेक्शन करेंगे। इसी के वजह से जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनमें बहुत कॉमनली हमको यूटीआई देखने को मिलता है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर, ये बहुत बहुत कॉमन रीज़न है यूटीआई होने का। देखिए ये मैं आपको एक बहुत छोटे से मतलब एक लेमैन टर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बैक्टीरियल ग्रोथ यानी कि जो कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है, उनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, यानी कि जो ग्रोथ होती है डायबिटिक पेशेंट में उस बैक्टीरिया की वो डबल होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट। तो इसलिए जो भी लोग को डायबिटीज़ होता है उनमें एक रिकरेंसी होती है यूटीआई बार बार होने की। कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है यूटीआई एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, उसका एक मेन कारण ये भी है कि जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं जहाँ पे हम बार बार यूज़ होता है जो पब्लिक टॉयलेट, तो बहुत बार फ्लश नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके वजह से बहुत कॉमनली जो होता है जब लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उसका इन्फेक्शन बहुत स्वाभाविक तरीके से पेशेंट को जाता है। देखिए ऐसा भी
देखने को मिला है कि जो विमेंस बर्थ पिल मतलब कि बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ, उसके वजह से भी यूटीआई बार बार देखने को मिलता है, या फिर जो एक्सटर्नल स्पर्मिसाइड यूज़ करती है, जो भी बर्थ कंट्रोल मेजर यूज़ करती है जिसकी वजह से बच्चे ना हो, वो एक बहुत मेन कारण होता है जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है। देखिए यूटीआई के बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स है, यानी कि बहुत सारे कॉमन लक्षण हैं, उसमें से मेन कारण है कि एक बर्निंग मिक्चुएशन, यानी कि आपको जब भी पेशाब होगा तो उसमें आपको बहुत सारी जलन होगी, लाइक पेशाब करने के पहले, पेशाब करने के बाद, या हो सकता है आपको दिन भर पेशाब में जलन रहे। तो ये एक मेन सिग्निफिकेंट एक सिम्टम है यूटीआई का, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपको एक यूरिन इन्फेक्शन है। दूसरा ये है कि आपको फीवर बहुत ज़्यादा रहेगा, फीवर यानी कि बुखार आपको हो सकता है कि 101, 102, 103 तक इसमें बुखार रहता है, और जो बुखार रहता है वो पीरियोडिक मैनर में होता है, यानी कि पीरियोडिक फैशन में होता है, यानी कि आप मान लीजिए कि अगर आपको आज 7 बजे बुखार आया तो हो सकता है आपको दिन भर बुखार ना रहे लेकिन कल आपको 7 बजे फिर से बुखार आए। तो इस तरीके से ये जो बुखार है वो वैरी करता है, और इस बुखार के साथ साथ आपको हमेशा एक चीज़ देखने को मिलती है, वो होती है फीवर विथ राइगर या फीवर विथ चिल, यानी कि आपको ठंड बचकर बहुत बुखार आएगा, मतलब ठंड बचकर बुखार इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। चौथा आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको पेल्विक पेन, यानी कि पेल्विक जो एरिया है स्पेशली फीमेल्स में, वो पेल्विक रेंज में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बैक पेन होता है, बैक में भी स्पेसिफिकली जो आपका जो लोअर बैक होता है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। इसके साथ साथ आपको नौशिया यानी कि मछलाहट रहेगी, और वो मछलाहट के साथ साथ आपको कभी कभी उल्टियाँ भी हो सकती है। तो ये जो कुछ सिग्निफिकेंट से जो सिम्टम्स है ये बहुत कॉमनली होता है। इसके साथ साथ आपको आपका एब्डोमेन जो है, आपका जो पेट है, वो पेट बहुत दर्द करेगा, आपको ठंड लगती रहेगी, आपको बुखार बार बार आता रहेगा। कभी ऐसा होता है कि आपका ब्लैडर खाली होता है लेकिन फिर भी आपको फिर से यूरिन पास करने की अर्ज आती है, तो ये बहुत कॉमन से सिम्टम है यूटीआई में। इसके साथ साथ आपको कभी कभी हो सकता है कि हिमैचुरिया हो जाए, हिमैचुरिया यानी कि आपके जो पेशाब है उसमें खून का एक थोड़ा सा अमाउंट आने लगता है, और कुछ एडवांस स्टेज में देखने को मिला है कि उसके साथ साथ उसमें पस भी होता है, जो कि बहुत एक लेटर स्टेज में आता है। इसके साथ साथ आपके यूरिन में बहुत एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगता है, और उस दुर्गंध के साथ साथ आपका जो पेशाब का जो कलर है, आपके यूरिन का जो कलर होता है, वो भी बादली यानी कि क्लाउडी हो जाता है। तो ये एक बहुत मेन सिम्टम है। तो देखिए आपको ये इन्फेक्शन होता कैसा है। अब मान लीजिए कि आपने कोई भी पब्लिक टॉयलेट यूज़ किया, तो क्या है वहाँ पर तो बहुत सारी बैक्टीरिया है, वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु पहले से ही प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, आप जब भी आप वहाँ पे पब्लिक टॉयलेट पे या कोई अनहाइजेनिक कंडीशन में आप जहाँ पे यूरिनेट करते हैं, तो वहाँ पे मोर कॉमनली क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया होता है वो एंटर करता है थ्रू यूरेथ्रा आपके ब्लैडर में। तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो अटैच हो जाता है आपके ब्लैडर वॉल को। वो बैक्टीरियल वॉल को जब वो अटैच होता है, तो ऐसे मल्टीपल बैक्टीरिया आपके ब्लैडर को अटैच हो जाते हैं, स्टिकअप हो जाते हैं, और वहां पे एक बायोफिल्म बनाते हैं। बायोफिल्म मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया की परत होती है, जिसके से आपकी वहां पर इंफ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, आपके शरीर में जो एक्शन होती है इन बैक्टीरिया की वजह से, उसके वजह से एक बॉडी की एक रिस्पॉन्स होती है, जिसके वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है, और उसी के साथ साथ आपको तेज बुखार भी आता है। देखिए ये जब समस्याएं लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम यूरिन टेस्ट बोलते हैं, मोर स्पेसिफिकली यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर देखते हैं कि कितना इन्फेक्शन है, कितने लेवल का इन्फेक्शन है, ल्यूकोसाइटोसिस काउंट कितना है, WBC काउंट कितना है, एपिथेलियल सेल्स कितने हैं, पस सेल्स कितने हैं, उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। और उसी के साथ साथ एक टेस्ट और होते हैं, जिसे हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसके हिसाब से मतलब हमें देखना होता है कि किस तरीके का बैक्टीरिया, किस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं यूरिन में, उसी के हिसाब से आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे जो ट्रीटमेंट के लिए काम में आएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जो ट्रीटमेंट होता है, मैं आपको पहले एक सजेशन दे दूं कि कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना या डॉक्टर की सलाह के बिना ना ले। होता क्या है, बार बार जब भी आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट आपको कोई दवा या कोई भी एंटीबायोटिक उठा कर देता है, क्योंकि उसे इतना नॉलेज नहीं होता, और जब वो आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपको थोड़ी दिन के लिए तो आराम होता है, लेकिन बाद में जब फिर से आपको जब यूटीआई होता है तो वो रेजिस्टेंस स्टेट में होता है, यानी कि जब
वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है, तो फिर आपको वो एंटीबायोटिक नहीं लगेगी जो आपको पहले दी थी, मतलब आप रेजिस्टेंट हो जाते हो। इसलिए ये बहुत सीवियर चीज़ है कि आप इसको बहुत संभल कर ले, यूटीआई में कोई भी एंटीबायोटिक फार्मासिस्ट से उठाकर ना ले, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी ये समस्या लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, वो आपकी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, वो रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स में मुख्यतः नाइट्रोफुरंटाइन, फॉस्फोमाइसिन, ऑगमेंटिन, सेफालोस्पोरिन या फिर फ्लोरोक्विनोल्स में जो वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग होते हैं, जैसे सिफ्रोफ्लोक्सासिन, न्यूफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये सारे ड्रग्स आपको देते हैं। मैं एक बात आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप कभी भी आपके हिसाब से या आपके मर्जी से या फार्मेसिस्ट को पूछ कर मेडिसिन ना ले, क्योंकि आप एक बार वो एंटीबायोटिक ले लोगे तब आपका यूटीआई ठीक भी हो जाएगा, कुछ दिन के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो बाद में आएगा तो वो बहुत स्ट्रांग आएगा और आपको हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। तो इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सिरप भी अवेलेबल है, उसमें से एक मेनली है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, जिसे हम कॉमनली, जिसका जेनेरिक नेम सिटाल के नाम से आता है, बहुत कॉमनली अवेलेबल रहता है इंडियन घरों में और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी है। दिन में 2-3 बार इसको लेने से बहुत ज़्यादा आराम गिरता है यूटीआई में। तो आखिरी में सवाल आता है कि हम यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन से कैसे बचें। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में है तो आपको इन्फेक्शन बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए, आपके बॉडी में यानी कि आपके यूरिन में बहुत सारा इन्फेक्शन है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, तो जब तक वो बैक्टीरिया एक तो मर नहीं जाते या फिर आपके शरीर से बाहर नहीं जाते तब तक आपको रिलीफ नहीं पड़ेगा, आपकी कंप्लेंट से रिलीफ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा पानी पीना है। यूजुअली आप जितना भी पानी पीते हैं उससे ट्वाइस यानी कि डबल मात्रा में आपको पानी पीना पड़ेगा, ताकि आप जितना पानी पियेंगे उतना यूरिन आपको होगा। तो जितना यूरिन आपको होगा तो उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया की जो क्वांटिटी है, जितनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, वो फ्लश आउट हो जाएगी। तो इसलिए बार बार पानी पीजिए और बार बार यूरिन के लिए जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी अपने पेशाब को रोकिए मत, क्योंकि आप जब आपकी यूरिन को स्टैसिस करेंगे या जब आपकी पेशाब को रोकेंगे तो उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने पानी तो पी लिया लेकिन आप यूरिन करने नहीं गए, तो वो जो बैक्टीरिया ऑलरेडी आपके ब्लैडर में है वो और ज़्यादा ग्रो करेगा, और ज़्यादा स्टिकअप होगा यूरिनरी ब्लैडर के वॉल से और ज़्यादा इन्फेक्शन करेगा। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जितने बार भी आप पानी पीते हैं उतनी बार आप यूरिन को जाए, यूरिन कभी भी ना रोके। क्योंकि क्या होता है, मेजर ऑफ टाइम फीमेल्स में ये देखने को मिलता है कि एक सोशल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर कभी कभी पब्लिक टॉयलेट इतने क्लीन नहीं होते, स्पेशली चिल्ड्रंस में जो छोटी बच्चियाँ होती है या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार अपने यूरिन को होल्ड करके रखते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक। तो ये आप कभी ना कीजिए, क्योंकि इससे मोर चांसेस है कि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कभी भी स्ट्रॉन्ग सोप ना यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर में होता है और एसिड ही प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। मतलब जितना ज़्यादा आपका यूरिन एसिडिक रहेगा उतना आप यूटीआई से बच सकते हैं। तो आप जब कोई सोप यूज़ करते हैं या कोई साबुन यूज़ करते हैं तो उसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है, तो जब भी आप सोप यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन अप करने के लिए, तो वो जो सोप के एक्शन के वजह से जो पीएच हो जाता है वो नॉर्मलाइज हो जाता है या फिर अल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि कोई भी केमिकल एजेंट जो भी एक अल्कलाइन जो नेचर में है वो बिल्कुल यूज़ ना करें, ताकि इससे जो आपका जो पीएच है, आपका जो यूरिनरी ट्रैक का जो पीएच है वो हमेशा मेंटेन रहे और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। इसके साथ साथ आप विटामिन सी ले सकते हैं, विटामिन सी के जो टैबलेट्स आती है, या इसके अलावा आप, ठीक है, विटामिन सी अगर आप टैबलेट फॉर्म में नहीं लेते हैं तो आप सिट्रस फूड यानी कि जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इन सभी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी क्या करता है, आपके यूरिन को मोर एसिडिक कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो यूरिन आपका जब एसिडिक हो जाता है तो उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत कम होती है और आपका यूरिन का जो पीएच होता है वो मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ आप सूखा धनिया यानी कि सूखे धनिया की जो बीजें होती है उसे उबालकर थोड़ा पानी में और उसके साथ जो खड़ी शक्कर होती है, कैंडी शुगर, इसे मिलाकर आप दिन में 2-3 बार पी सकते हैं। इससे बहुत जल्दी और इंस्टेंट रिलीफ पड़ता है। दिन में 2-3 बार पीने से यूटीआई में बहुत काफ़ी राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ आप क्रैनबेरीज जूस यानी कि जो करौंदे आते हैं, जिसे हम इंडिया में करौंदे बोलते हैं, तो करौंदे का जूस भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यूटीआई में। इसके आजकल क्रैनबेरीज के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में आने लगे हैं, क्योंकि क्या होता है,
जो क्रैनबेरीज़ के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, जैसे कि जो भी ईकोलाय जो भी बैक्टीरिया आपके बैटर में प्रेजेंट है तो उनको ये बाहर निकालने का काम करते हैं। तो इसलिए आप क्रैनबेरी जूस या करंदे का जूस भी दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं। प्रोबायोटिक में स्पेशली दही आप खा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, दही में एक लैक्टोबैसिलस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। ये गुड बैक्टीरिया होता है, ये हमारे इंटेस्टिनल गट में प्रेजेंट होता है, हमारे पेट में होता है। तो ऐसा देखा गया है कि जब आप प्रोबायोटिक लेते हैं, आप लैक्टोबैसिलस लेते हैं, तो इससे भी जो ई कोलाई की जो पॉपुलेशन है हमारे शरीर में वो कम होने लगती है, जिससे भी बहुत ज़्यादा आपको यूटीआई में रिलीफ पड़ता है। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसमें से एक चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल भी आपके यूरिन को रोकना नहीं है। आप जितने बार भी पानी पियेंगे उतनी बार आपको यूरिन को जाना है। दूसरा, आप अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, आप आपके इनर गारमेंट्स को बार बार चेंज करते रहेंगे। आपकी पर्सनल हाइजीन स्पेशली फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जब पीरियड्स आते हैं, तो आपको उतनी हाइजीन लेनी है। तीसरा, आपको बहुत सारी चीज़ों में से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको निकोटीन अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड, हैवी फूड जो होता है ये आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन होने के बाद भी एक यूटीआई के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको शुगर है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपको कभी भी अपनी एंटी डायबिटिक मेडिसिन या एंटी डायबिटिक ड्रग डिसकंटिन्यू नहीं करने हैं जो आपको डॉक्टर ने पहले से प्रिस्क्राइब किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके खून में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग, तो वो फेवर करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, वो फेवर करता है ई कोलाई को, जो भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे एक फेवरेबल एटमोसफेयर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज़ की एक साथ डेवलपमेंट हो जाती है। इसलिए मैं आपको फिर से बार बार ये रिकॉल कर रहा हूँ कि जब भी अगर आपको शुगर है या आपको डायबिटीज़ है, तो आप कभी भी अपनी एंटी डायबिटिक मेडिसिन को डिसकंटिन्यू ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपको बार बार यूटीआई की तकलीफ हो। एक और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पार्टनर के साथ का जब इंटरकोर्स होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोशिश कीजिए यूरिन करने की, यूरिन पास करने की, क्योंकि एक ऐसा देखा गया है कि जब भी इंटरकोर्स होता है तो बैक्टीरियल एक्सचेंज होने लगता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो फुल ऑफ बैक्टीरिया से भर जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करें, क्योंकि क्या होता है, एक बहुत सारा अमाउंट ऑफ यूरिन जब आपके बॉडी में रिटेन होता है, उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑलरेडी जो हो चुकी होती है वो एक्सपेल हो जाती है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सजेशन देते हैं कि जब भी एक इंटरकोर्स आपके पार्टनर के साथ जब होता है, तो आप कोशिश कीजिए यूरिन करने की, ताकि बहुत सारी जो बैक्टीरियल की कॉलोनी है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो एक बार में क्लीन अप हो जाए। हमेशा ड्राइनेस मेंटेन कीजिए, आपके प्राइवेट पार्ट पे कोई भी मॉइस्चर ना रहने दे, क्योंकि मॉइस्चर होने से, नमी होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी बैक्टीरिया के साथ साथ फंगल ग्रोथ भी होती है, जो बाद में आपको यूटीआई के कॉज करती है। स्पेशली डॉक्टर हमेशा आपको एक सजेशन देंगे कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जब यूरिन करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, या स्पेशली जब आपको पीरियड्स आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम, हमेशा उस जगह को ड्राई रखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अगर वो एरिया ड्राई रहेगा तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस है बैक्टीरिया ग्रोथ होने के, फंगस ग्रोथ होने के। तो ड्राइनेस एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से आप बहुत सारा इन्फेक्शन रोक सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर दैट यू विल लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स। आप मुझे बताइए कि आपको किस बीमारी के ऊपर एक नया वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।